नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग के बेहतर रिजल्ट से मशहूर बिहार का चर्चित एलिट इंस्टीट्यूट ने नामांकन की एक बार फिर से घोषणा कर दी है। जी हां, नीट, जेई मेंस और एनडीए के लिए अब फिर से नामांकन शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि अपने अच्छे रिजल्ट यानी बेहतर प्रदर्शन से एलिट इंस्टीट्यूट एक बार फिर से एलिट इंस्टीट्यूट के छात्रों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना काल के बाद जब इंस्टीट्यूट्स को खोला गया है, जब 11वीं 12वीं के सभी संस्थान खोल दिए जा चुके हैं, तो इसी के साथ अब जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की, जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नामांकन की घोषणा भी कर दी गई है। कोरोना काल के दौरान भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है एलिट इंस्टीट्यूट के छात्रों ने, तो इसी को देखते हुए एलिट इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से नामांकन की घोषणा कर दी है। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी छात्र जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो इस इंस्टीट्यूट से और जो भी सुविधाएं मिलती हैं उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गए हैं एलिट संस्थान में, और इसके साथ हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ कर लिया है। एलिट ने जेई मेन, नीट और एनडीए के बच्चों के लिए अपने एक विशेष स्कॉलरशिप की बात रखी है, जो कि हमारे ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत रखा गया है। हम इस स्कॉलरशिप के स्कीम को कुछ अलग अलग रूपों में इस बार रखने वाले हैं। वो सारे बच्चे जो भारतीय सेना के परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार के कोई भी लोग भारतीय सेना में हैं, उन बच्चों को 25% का अतिरिक्त एक स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा जिन बच्चों का अगर स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो उन बच्चों का भी स्कॉलरशिप एक अमाउंट मिलेगा इसमें। और बोर्ड परीक्षाओं के मिले हुए अंकों के आधार पर भी हम स्कॉलरशिप टेस्ट की घोषणा करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को स्टडी पैकेज, लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, तमाम सुविधाएँ मुफ्त मुहैया करवाई जाएंगी। हमने देखा है विगत जो परीक्षाएँ हमारी हुई हैं, उसमें बच्चों ने बहुत सुंदर रिजल्ट किया है, और इस कारण से हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में भी एलिट संस्थान ने लगातार लेक्चर वीडियो, लाइव सेशन और टेस्ट की संभावनाओं को मूर्त रूप दिया था, और इसका परिणाम है कि हमारे बच्चे इस वर्ष भी जेई मेन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके एक अंतिम फेज की परीक्षा अभी अगस्त में होने वाली है। 12 सितंबर से होने वाले नीट एग्जामिनेशन के लिए भी बच्चे टेस्ट सीरीज का लाभ उठा रहे हैं, और इसका परिणाम है कि उनका भी रिजल्ट बहुत सुंदर होने वाला है। एनडीए की परीक्षा के लिए बच्चों का नामांकन चल रहा है, और इसमें से उन बच्चों को विशेष रियायत मिल रही है जो बच्चे भारतीय सेना के परिवार से जुड़े हुए हैं। तो हम कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि वो सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और अगर आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो एलिट संस्थान के द्वारा चलाई जाने वाली ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत वही योजना का लाभ उठा सकते हैं, उस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं।